एक और एक इम्पॉर्टेंट चीज है और मैं ये मानता हूं कि इसको एक्सपोज करना चाहिए। मैं मंत्री होने के बाद मेरा बोलना शायद लोगों को लगेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूं। ये जो डीपीआर बनाते हैं इतने घटिया क्वालिटी के डीपीआर बनाते हैं और हमको भी कोई शर्म नहीं आती कि वही प्रोसेस से वही गलत डीपीआर हम स्वीकार करते हैं। ना उनके ऊपर कार्रवाई होती है, स्टेट गवर्नमेंट में भी यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही होता है और डीपीआर वालों को कभी जिम्मेदार पकड़ा नहीं जाता। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबको मिलाकर इनके ऊपर ही एफआईआर डालनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के मन में इसके प्रति ये जो एक उनकी गलती कितने लोगों की जान जाती है इसका कोई ना कोई विचार करेगा कि नहीं करेगा। मैं भुगत भुगी हूं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन था महाराष्ट्र में, तब एक पेड़ पे जा रेड लाइट कार, पुलिस प्रोटेक्शन, सायरन कार, 10-12-15 कारों का कैनवा होते हुए मैं एक पेड़ के ऊपर गया। पूरी गाड़ी पेड़ के कारण ट्रक के अंदर घुस गई और वो टायर के कारण बच गया, नहीं तो पूरे कट जाते थे। मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, सब एक्सीडेंट हुआ बड़ा। कारण क्या? तो पेड़ रास्ते में आता है, उसको तोड़ने के लिए कलेक्टर को परमिशन मांगकर 3 साल हुए पर परमिशन नहीं मिली। फिर ड्राइवर को कटरेक निकला, फिर मैंने जब जांच की मेरे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में तो 40% ड्राइवर कटरेक वाले निकले। फिर एक मुख्यमंत्री का गाड़ी का ड्राइवर अनेक सालों से गाड़ी चला रहा था, वो अंधा निकला। फिर एक केंद्रीय मंत्री का ड्राइवर, उसकी एक आंख गई थी। यानी हमारे देश में मेरे समझ में नहीं आता कि इतने सीरियस इश्यू पर कितनी उदासीनता है। और ये मेरे बोलना लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं लगता और इसलिए स्वाभाविक रूप से फिर कैंप शुरू हुए कैटरेक्ट चेक करने के। टोल नाके पर कैटरेक्ट चेक किया, चश्मे देने की बात हुई, अब हमने ड्राइवर के लिए एसी कैबिन लाई। मुझे लगता है कि ये इशू शायद हमारी एक कमी होगी कि इसका जो महत्व है लोगों की जान बचाने का, शायद लोगों को समझाने में हम कम पड़े होंगे और इसलिए ये अवेयरनेस और तैयार करना होगा। कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। और एक बात ये रिपोर्ट के कारण सिद्ध हुई है, जो मैं पीयूष को धन्यवाद दूंगा, कि जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या है, जो ब्लैक स्पॉट्स है, उसको सुधारने के बाद, उसमें कुछ सुधार करने के बाद एक्सीडेंट में और डेथ में कमी आई है। तो इसका मतलब रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार करने से कमी आ सकती है। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में तो बहुत सुधार हो गया, सब लोगों ने 6 एयरबैग लगाना भी शुरू कर दिया है, अभी स्टार रेटिंग भी हुआ है। तो नेचुरली ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो रोड सेफ्टी के लिए और हमारे लोगों की जान सुरक्षा के लिए वो हो गया है और अगर कोई सुझाव आएगा तो करेंगे। ट्रक और बसेस में भी बस का कोड था, कोई भी हथौड़ा लेके बस में बैठता था और रोड पर बस बॉडी बनाता था। 6-7 बार मैंने उनको टाइम दिया। अभी हमारे यहाँ समृद्धि महामार्ग पर एक बस आई, जल गई, 50 लोग मर गए। उस दिन मैं इतना गुस्सा हो गया, मैंने बोला सेक्रेटरी जी को कि ये खत्म करो इसको। अब प्रॉब्लम यह है कि बसेस में जब अभी ये जो बड़े कंपनी ने बसेस बनाए, अभी मैंने एक स्लीपर कोच बस बेंगलोर में लॉन्च किया था, ये जो ग्लास दिखती है आपको बड़ी, इस प्रकार से वो पूरी ऐसी जो विंडो थी उसमें बड़ी ग्लास है और उसके बाजू में प्लास्टिक की हथौड़ा है, अगर बस गिर गई तो हथौड़े से वो तोड़कर वो बाहर आ सकते हैं। ये भी सुविधा ये अभी बस में नहीं थी। घटिया क्वालिटी कितनी बनाना सस्ता बनाने के लिए, तो उसके कितने लोग मर रहे हैं। और इसलिए अभी हमने बस में भी और कार में पीछे से बेल्ट लगाने के बारे में नियम बनाया, आज सामने वाले बेल्ट के बारे में भी नियम बना, काफी लोगों की जान उसके अंदर बच जाती है। और इसलिए मेरा जो सुझाव है कि अब विशेष रूप से जो स्कूल के टीचर है, हेडमास्टर है, इन्होंने आगे आना चाहिए, उनके स्कूल में रोड सेफ्टी की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे इसके कितने डेंजरस है, कैसे लाइफ जा रहे हैं, कितने नुकसान हो रहे हैं, इसके बारे में एक लोगों का एजुकेशन, प्रबोधन, प्रशिक्षण और उसके साथ फिर उसका ट्रेनिंग, तो
तो ये जो जनरेशन तैयार होगी इसका बहुत फायदा होगा। मैं वर्ल्ड बैंक में मंडोपाध्याय जी भी है और पीयूष भी है, तो आप एक करिए कि ऐसे कोई टैलेंटेड लोग जो कार्टून फिल्म बनाते हैं उस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को कॉन्सेंट्रेट करके ऐसी छोटी छोटी फिल्म छोटे छोटे किताबें तैयार कर सकते क्या, इसके गेम्स बना सकते क्या। मुझे याद है हुंडई कंपनी ने, मैं और शाहरुख खान जी थे, उन्होंने एक ऐसा एक बुक निकाला था। तो ये कंपनियां स्पॉन्सर करेगी और ये इसके बारे में स्कूल में विशेष रूप से दसवीं के पहले तक प्राथमिक और माध्यमिक इन स्टूडेंट्स के लिए उनके आईक्यू के हिसाब से इफेक्टिव ट्रेनिंग और कोर्सेस इसके बारे में हम लोग आगे आए। दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा ये प्रोजेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में है, इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए और भारत सरकार का भी सहयोग चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, ये इसके लिए सुमोटो कुछ इनिशिएटिव ले। अभी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में हमने काफी चिंता की, ई गवर्नेंस लाया, 16-17 सुझाव उसमें लाए, काफी बदलाव किया कि करप्शन को भी कम करें और विशेष रूप से रोड सेफ्टी के लिए भी सर्वोच्च प्राथमिकता दें। इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट लेवल पर भी अगर अच्छी तरीके से होता है तो उसका भी फायदा होगा। ये केवल काम सरकारी स्तर पर नहीं होगा, विदाउट सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी ये नहीं हो पाएगा। और इसलिए एनजीओज, यूनिवर्सिटीज, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस और इसके साथ अलग अलग प्रकार के जो इवन पॉलिटिकल पार्टी का भी सहयोग लिया जा सकता है। इसके जो प्रोग्राम्स होंगे वो भी करने में सरकार की तरफ से हम सहायता कर रहे हैं, पर मैं समाधानी नहीं हूं। इसमें जो जो प्रकार के काम सरकारी स्तर पर होने चाहिए उसको और करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ रहा है, 10% डेथ में और 12% एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई, इसमें भी कभी कभी तो हमारे एक स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है 5 साल पहले के एक्सीडेंट को नोट करता था, मेरे को इतना गुस्सा आया, मैंने पूछा तुमको पगार 5 साल बाद दे दी, फिर तो 5 साल का डाटा इकट्ठा करें तो 5 साल के बाद पगार दो इनको, यानी कोई शर्म भी नहीं आती है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। और इसलिए पहले मैंने कहा कि कुछ भी करोगे एक्सीडेंट होने के बाद वहां का पीडी है, आरओ है, वो रजिस्टर करे और तुरंत 15 दिन में हमको पता हो जाए और इमीडिएट कुछ ऐसे मेजर से जो वो कर सकते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत वो रोड की दुरुस्ती करें। हमारे यहाँ एमपीस के इसमें हमने अपघात निवारण कमेटी, एक्सीडेंट निवारण कमेटी अपॉइंट की, उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एमपी और कलेक्टर को जिम्मेदारी दी। पर इसमें जो जो अवेयरनेस और इसके लिए जो काम होना चाहिए उसकी गति बढ़ानी होगी और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसमें दो प्रकार की बातें मुझे लगती है। पहली बात कि रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट्स क्यों हुआ है और डेथ क्यों हुई है और दोनों का संबंध रोड डिजाइनिंग से क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से क्या है, कम से कम ये तो हमारे रीच में है कि इसको हम पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि जो हम सब कुछ करने के बाद भी होंगे, उसका कोई इलाज नहीं है, पर जिसके कारण है वो कारणों को ढूंढकर उस समस्याओं को किसी भी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर उसको पूरा करना और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस तैयार करना। हमारे यहाँ नागपुर में एक अच्छा प्रोजेक्ट चला, मुझे नहीं लगता था उसको सक्सेस मिलेगा, कि उन्होंने क्या किया, जो रूल्स ऑफ द रोड का पालन करते उनको बोनस पॉइंट मिलने लगे और वो बोनस पॉइंट के आधार पर कोई पिज्जा हट में उसको कंसेशन मिलने लगा, कोई रेस्टोरेंट में मिलने लगा, कोई मॉल में मिलना पड़ा, तो उसके कारण लाखों लोग अब उसका एडवांटेज लेने लगे। तो एक प्रिंसिपल और फिलोसॉफी ऐसी है कि अच्छे काम करने वालों को अवार्ड और बुरे काम करने वालों को सजा, तो नेचुरली ये अवार्ड मिलने लगे उसके कारण भी कानून के प्रति उसका पालन करना चाहिए, इसका एक अच्छा रिस्पांस मिला। तो मुझे लगता है कि कुछ शहरों में भी एक्सीडेंट की संख्या ज्यादा है, कुछ जगह डेड एंड्स हैं, कुछ जगह रोड के बीच में लोग क्रॉस करते हैं, वहां एक सोलर लाइट का छोटा छोटा लाइट भी लगा दिया तो भी लोग अवेयर हो सकते, वो भी नहीं है। और इसका कारण जो है वो आम
अधिकारियों में और जनता में भी जितनी संवेदनशीलता चाहिए उसकी और ज्यादा निर्माण करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक तरफ टेक्निकल रिपोर्ट पर भी काम करना, दूसरी तरफ लोगों को इसका महत्व पटाकर उनको ये कन्विंस करना कि इसमें आप भी कॉन्ट्रीब्यूट करें, जो सुनते नहीं उनके लिए कानून को इन्फोर्समेंट करके फाइन करना, और एक प्रकार से इस पूरे एक प्रकार की ऐसी बीमारी है और जो हमारे सोसाइटी में कितने बड़े प्रमाण पर लोगों की एक प्रकार से प्राण जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। पर मुझे इस बात का समाधान है, खुशी है कि वर्ल्ड